थिएटर कलाकार अंजू का हमीरपुर जिला से नाता है और छोटे से कस्बे भोटा से जाकर टीवी सीरियल में आज अंजू ने नाम कमाया है। वहीं अंजू अब अभिनेत्री कंगना की नई मूवी मेंटल है क्या में भी दिखेंगी। अंजू ने अब तक कलर्स टीवी से लेकर जीटीवी और स्टार प्लस के टीवी सीरियलों में काम कर चुकी हैं। हमीरपुर आई अंजू ने कहा कि हिमाचल में कलाकारों में क्रेज तो है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, इसीलिए कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे कलाकार आगे बढ़ सके। आपको बता दें कि कलाकार अंजू ने छोटे छोटे रोल करके अपनी पहचान बनाई है और अपनी मेहनत के बलबूते पर आज बॉलीवुड की फिल्म में भी दिखने लगी हैं। डिटेक्टिव दीदी ये है मोहब्बतें के अलावा कई सीरियल में छोटे छोटे रोल अंजू ने बखूबी निभाए हैं। वहीं अब कंगना रनावत की आने वाली फिल्म मेंटल है क्या में भी अंजू ने अभिनय किया है। अंजू ने बताया कि हिमाचल में कलाकारों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचली कलाकार भी मिलकर एक ऐसा मंच बनाएं जिसके माध्यम से हिमाचली प्रतिभा को निखारने के लिए काम किया जा सके। मैंने जीटी के दो सीरियल किए, डिटेक्टिव दीदी और जिंदगी की महक, और एक स्टार प्लस का ये है मोहब्बतें, और कंगना मैम के साथ मूवी की है मेंटल है क्या, तो अभी वो रिलीज होगी। अभी इसमें क्या किस चीज का रोल है आपका? इसमें कंगना जी का जो घर दिखाया है उसके ताऊजी दिखाए हैं, उनकी नर्स का करेक्टर है। क्या उम्मीद है आपको इस मूवी से? उम्मीद तो है, देखिए 8 सीन थे 8 सीन में से सोचती हूँ कुछ तो सही आएगा। मतलब पहले भी मैंने किया मूवीज में, क्या होता है एडिटिंग में थोड़ा मतलब कट जाता है, जैसे अगर आपके 2 सीन है तो मान लो आधा ही सीन आएगा ये की आएगा, लेकिन यहाँ होप है कि हाँ सही है। असल में देखिए क्रेज तो बहुत है, बच्चों में बहुत क्रेज है, बच्चे आगे जाना चाहते हैं जो भी हमारे बेटे बेटियां हैं, बट यही है कि हिमाचल से मुंबई बहुत दूर है, तो वही वो सोच के कई लोग तो मन में ही सोच के रह जाते हैं कि जाएंगे क्या करेंगे कैसे, घर से सपोर्ट नहीं होता तरीके से, तो नहीं है सही तरीके से सोचू तो नहीं है, मतलब उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए कि हाँ वहां तक पहुंच गया बच्चा तो वहां आगे जाएगा, तो वही सोचती हूँ कि अगर कुछ अच्छा मैं करना चाहती हूँ कि मैं शुरू करना चाहती हूँ कि मैं बच्चों को आगे लेके जाऊँ, मैं लेके जाऊंगी, और ऐसा सोचती हूँ। ऐसा जो आर्टिस्ट है वही हम लोग सोच रहे हैं मिलके, जितने भी जो भी हम लोग अपने शिमला से हैं या मंडी से हैं, जितने भी हम आर्टिस्ट आपसे बात करते हैं तो मैं यही बात करती हूँ कि वहाँ के जो भी बच्चे ये सब करना चाहते हैं या हिमाचल के लिए कुछ हम मिलके करेंगे, मतलब ये सोचते हैं। और मुझे मिलना है, मैं पीछे अनुराग जी से भी मिली थी दिल्ली में, पर मेरी बात नहीं हो पाई उनसे इस मामले में, क्योंकि वो कांगड़ा बैंक के इनॉग्रेशन पे आए थे, तो मैंने हेलो हाय हुई, बात नहीं हुई, लेकिन मिलूंगी उनसे सोचते।